हार्ट स्टॉपर की सीजन 1 की शुरुआत होती है कहानी के मेन कैरेक्टर हाई स्कूल स्टूडेंट चार्ली स्प्रिंग से। तो चार्ली अपनी क्लासमेट बेन होप के साथ रिलेशनशिप में है और बेन इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना चाहता है, इसलिए वो चार्ली से स्कूल में भी बिल्कुल बात नहीं करता, उसे पूरी तरह इग्नोर करता है, जिसकी वजह से चार्ली को ये बात हर्ट भी करती है। तो उसके बाद चार्ली की मुलाकात होती है उसकी फेलो स्टूडेंट निक नेल्सन से, जो स्कूल में काफी पॉपुलर रग्बी प्लेयर है। तो चार्ली का बेस्ट फ्रेंड ताओ उसे वार्न करता है कि निक उसके टाइप का बिल्कुल नहीं है, तो उसे उससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद चार्ली और निक के बीच जेन्युइन फ्रेंडशिप हो जाती है और तो और चार्ली को उस पे क्रश भी आने लगता है और वो उसके बारे में रोमांस इमेजिन भी करने लगता है। तभी एक दिन चार्ली बेन को एक फीमेल क्लासमेट के साथ किस करते हुए पकड़ लेता है और वहीं पे चार्ली उसे नाता तोड़ देता है और ब्रेकअप कर लेता है। लेकिन बेन चार्ली को वापस पाने की कोशिश करता है और फोर्सफुली चार्ली को किस करने लगता है उसके ना चाहते हुए भी। तभी निक वहां आकर चार्ली से उसे दूर कर देता है, जिसके बाद निक और चार्ली और भी क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद निक चार्ली को रग्बी टीम ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है और कहता है कि वो खुद उसे ट्रेन करेगा। और वहीं चार्ली की रोमांटिक फीलिंग्स निक के लिए और भी स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, जिसके बाद ताओ चार्ली को फिर से वार्न करता है कि निक ट्रेट है, वो उसके टाइप का बिल्कुल नहीं है। लेकिन चार्ली फिर भी अपनी फैंटेसीज जारी रखता है, जिस बात से ताओ नाराज हो जाता है क्योंकि वो निक के साथ अब ज्यादा वक्त बिता रहा है बजाय अपने दोस्तों के। चार्ली के बाकी दोस्त आइजैक और एल काफी सपोर्टिव होते हैं। एल ताओ को समझाती है कि ये बदलाव चार्ली के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि खुद एल ने भी हाल ही में खुद को एक ट्रांस के रूप में स्वीकारा है और जिसके बाद उसे देख बाकी लड़कियों को इंस्पिरेशन मिली थी और वो भी खुद को एक्सेप्ट करने लगी। और इन सब बदलाव के बाद वो खुद को और भी आजाद और सपोर्टिव महसूस करती हैं। इस बीच निक को पता लगता है कि उसकी क्रश टैरा एक लड़की डार्सी के साथ रिलेशनशिप में है और उन लोगों ने पब्लिकली खुद को एक्सेप्ट करने का फैसला किया है, जिसके बाद निक को अपनी सेक्सुअलिटी पे और भी शक होने लगता है। और फिर एक दिन चार्ली और निक के बीच किस हो जाती है और वो दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन निक अभी भी अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में श्योर होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जिसके बाद निक को रियलाइज होता है कि वो एक बायसेक्सुअल है, लेकिन जिस तरह से निक चार्ली डार्सी और टैरा को ओपनली गे के रूप में सामने आने के बाद स्कूल में बुली होते हुए देखता है, तो वो इस बात से काफी डर जाता है। जब चार्ली निक टैरा और डार्सी को पता लगता है कि एल के मन में ताओ के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो वो दोनों दोस्तों को एक दूसरे के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। अब एल के मन में रोमांटिक फीलिंग्स होने के बावजूद वो खुद को रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर है कहीं इस सब के बाद उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन निक का दोस्त हैरी चार्ली को होमोफोबिक गाली देता है, जिसके बाद निक को ये बात बुरी लगती है और वो फाइनली वो अपने प्यार के लिए स्टैंड लेता है और हैरी से लड़ता है। लड़ाई के बाद ताओ को पता लगता है कि निक और चार्ली सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जिसके बाद ताओ बहुत हर्ट होता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके दोस्त उस पर इतना भी यकीन नहीं करते क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात उससे सीक्रेट रखी। जिसके बाद चार्ली अपने सबसे करीबी दोस्त को दुख पहुंचाने के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगता है और उसे ये भी लगता है कि उसकी वजह से निक को झगड़ा मोल लेना पड़ा, तो उसे और दर्द नहीं देना चाहता, इसलिए वो निक से भी नाता तोड़ देता है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है, निक और ताओ दोनों डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी तरह अपने दोस्त चार्ली को फिर से खुश देखना चाहते हैं, जिसके बाद ताओ और चार्ली फिर से दोस्त बन जाते हैं और निक चार्ली को भरोसा दिलाता है कि वो चार्ली के साथ पब्लिकली रिलेशनशिप में आकर एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। और इसकी शुरुआत करता है वो अपनी माँ को अपने बारे में सब कुछ बताकर, जो बड़े प्यार से अपने बेटे को एक्सेप्ट करती है, और यहीं पर हार्टस्टॉपर का सीजन 1 खत्म हो जाता है।